अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं मैम मेमोरी ज़्यादा हो गई है क्या करें। कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, ये सबसे टॉप पे, टॉप राइट के ऊपर। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ ऐप मैनेजमेंट में आते हैं। अक्सर जो हमारे होते हैं ना, लाइक हमने वैसे तो कर दिया होता है कि जी हमारी मूव टू एसडी कार्ड या प्रायोरिटी हमारी एसडी कार्ड होती है, लेकिन हमारी बहुत सारी डाउनलोडेड ऐप्स होती हैं जो एसडी कार्ड में नहीं जाती। आपने यहाँ पे डाउनलोडेड में जाना है। ये देखें, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में ऑन एसडी कार्ड, ये मेरी सारी एसडी कार्ड है और ये मैंने एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ भेजी हैं, ये रनिंग आ रही हैं। ठीक है, आपने डाउनलोडेड पर जाना है और उसके बाद ये देखें, ये मैंने अभी न्यू ऐप जो है वो डाउनलोड की है, लेकिन ये एसडी कार्ड में नहीं है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मूव टू एसडी कार्ड, अब ये मूविंग हो रही है, ये ऑटोमेटिकली एसडी कार्ड में चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके स्टू फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से, ऐप्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो मोबाइल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आपके मोबाइल में जितने मैसेंजर्स हैं, जितनी ऐप्स हैं, उनको सबको मूव टू एसडी कार्ड करें ताकि आपके जो मोबाइल्स हैं वो प्रॉपर काम करें। उसके बाद आप जितने मर्ज़ी ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, आपका जो मोबाइल है वो जैम नहीं होगा। ये अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने सोचा मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ।